हेलो गाइस, वेलकम टू कोच डॉट सोपिज्म। हमारी लास्ट वीडियो में हमने 2 और 3 नंबर्स को कंपेयर करके देखा था, और हम हमारी इस वीडियो में एक नंबर को चेक करेंगे कि क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। और ये प्रोग्राम बहुत सिंपल है। अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हमने फाइल इंक्लूड कराई और फिर हमने एक कॉमेंट लिखा है, और इस कॉमेंट में हमने यही लिखा है कि प्रोग्राम है ये चेक करने के लिए कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। और फिर हमने void टाइप का मेन फंक्शन बनाया है, मतलब हमें कुछ रिटर्न नहीं करना होगा। हमने इस फंक्शन में एक int टाइप का num वेरिएबल बनाया है, क्योंकि हमें एक इंटीजर ही लेना है और उसे चेक करके देखना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो हम यहाँ पर num वेरिएबल बनाएंगे, और उसके बाद हमने प्रिंट कराया है। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप कितने भी स्पेसेस डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा और हमारा कोई एरर नहीं आएगा। अब मैं इसे वापस वैसे ही कर देता हूँ। हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को समझते हैं। इसमें हमें कंडीशंस लगानी होगी, क्योंकि अगर हमारा कोई एक कंडीशन ट्रू हुई तो हमें वो प्रिंट कराना होगा, अगर दूसरी कंडीशन ट्रू हुई तो हमें कुछ और प्रिंट कराना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इफ एल्स इफ और एल्स यूज करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे एंटर अ नंबर, और फिर हम नेक्स्ट लाइन में उस नंबर को स्कैन एफ का यूज करके इनपुट करा लेंगे, और ये नंबर इनपुट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, अब हमें चेक करना है कि ये नंबर बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। तो हम यहाँ देखेंगे, पहली कंडीशन इफ के साथ हम सबसे पहले इफ लिखते हैं, और उसके बाद हम ब्रैकेट्स के अंदर हमारी कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पर हमने वेरिएबल लिखा, और हमने यहाँ लिखा है वो वेरिएबल अगर बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे परसेंटेज डी इज अ पॉजिटिव नंबर। परसेंटेज डी देख के हमारा कंपाइलर एक नंबर ढूंढेगा, मतलब इंटीजर ढूंढेगा, और यहाँ पे वो नम उसे मिल जाएगा। और यहाँ हमने इफ में पैरेंथेसिस नहीं लगाई, क्योंकि अगर हमें एक लाइन यूज करनी होती है तो हमें पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है। इन स्टेटमेंट्स में जो भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, अगर वो सिंगल लाइन है तो हम यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे, और अगर हम लगाएंगे तो भी रन होगा, और हम नहीं लगाएंगे तो भी रन होगा, कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब हम दूसरी चीज देखते हैं, एल्स इफ। एल्स और इफ के बीच में हमें स्पेस लगाना होगा, क्योंकि कंपाइलर वैसे ही उसे समझता है, और यही इसका सिंटैक्स है। और फिर हम नम को लेस देन जीरो करके देखेंगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे कि डी एक नेगेटिव नंबर है। और फिर हमारा लास्ट जो कि डिफॉल्ट होगा, जब हमारी ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी कि वो नंबर 0 के इक्वल है, तो हम प्रिंट कराएंगे 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। हम इस प्रोग्राम को जल्दी से रन कराकर देखते हैं, फिर समझते हैं। इसे रन कराने के बाद यहाँ आ गया है एंटर अ नंबर। हम यहाँ पर नंबर 12 एंटर करते हैं, और ये हमारा पॉजिटिव नंबर आ गया। हम इसे फिर से रन कराते हैं। हमने इसे रन कराया तो हम यहाँ पर अब 0 लिखेंगे, और हमने 0 लिखा तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव आ गया है। और अब हम एक नेगेटिव नंबर लिखेंगे यहाँ पर, और ये नेगेटिव नंबर हम लिखेंगे -12। हमने -12 लिखा तो -12 इज अ नेगेटिव नंबर आ गया है। तो ये तीनों कंडीशंस अलग अलग चीजों के लिए रन हो गई है। हमने यहाँ 12 लिखा तो यहाँ पहली कंडीशन चेक हुई होगी, नंबर जब 0 से बड़ा है तो मतलब हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब एक सिंगल लाइन कोड है ये रन हो जाएगा। और फिर हमने जब 0 लिखा है तो हमारी ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई, नम 0 से बड़ा भी नहीं है, नम 0 से छोटा भी नहीं है, तो ये क्या है, नम मतलब 0 के इक्वल है, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और फिर हमारा ये else if होगा, मतलब हमने नंबर को -12 लिखा है तो हमारा नेगेटिव नंबर होगा, तो हमारी जो else if की कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, तो हमारी ये वाली लाइन प्रिंट होगी कि परसेंटेज डी इज अ नेगेटिव नंबर, मतलब नम इज अ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ हमारा प्रिंट हो गया -12 इज अ नेगेटिव नंबर। ये कोड बहुत इजी था, और हम नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत इजी कोड को देखेंगे, और इसके सोर्स कोड तो मैं आपको दे दूंगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस प्लेलिस्ट को देखो पूरा, इसमें हमारे सारे कोड्स होंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू कोच डॉट सोबिज्म।